अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करनी है फाइलम प्लैटिहेलमिंथस की क्लास कैस्टोइडिया। कैस्टोइडिया क्लास कैस्टोइडिया से पहले हम इसकी तीन क्लासेस पढ़ चुके हैं, टर्बुलेरिया, मोनोजीनिया एंड ट्रीमाटोडा। उन सब में क्या था कि डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद था, उनका डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो ब्लाइंड टू सीके भी बन रहे थे। लेकिन कैस्टोइडिया में क्या है कि ये भी पैरासिटिक है लेकिन इनके अंदर कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं है, मतलब इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एबसेंट है। ड्यू टू पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ टेपम हैज लॉस्ट मैनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। तो ये इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है और बाकी कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी नहीं है, वो इनका क्या ये एवोल्यूशन है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल की तरफ आ रहे हैं। और इनको ये डाइजेस्टिव सिस्टम या इनके ये जो कॉम्प्लेक्सिटी से ये सिंपल की तरफ आ रहे हैं वो इसलिए क्योंकि ये जिस होस्ट में है लाइक वर्टिब्रेट के होस्ट के ये इंटेस्टाइनल ट्रैक में मौजूद होते हैं। तो फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट मेंटेन द होम्योस्टेसिस ऑफ द टेपवर्म, मतलब ये जो है इनकी होस्ट की फिजियोलॉजी में ही इनका होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है, तो इनको कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड नहीं है। और तो इस वजह से ये एक एवोल्यूशन है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। लेकिन ये जो कैस्टोइडिया हैं इनके अंदर एक इनका इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि इनका दे हैव ग्रेट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और इसकी अगर हम स्पीशीज देखें तो 3500 इसकी स्पीशीज हैं। और इसकी क्लासिफिकेशन में देखें तो क्लास कैस्टोइडिया टेपवर्म में फर्दर इसकी दो क्लासेस हैं, कैस्टोडेरिया एंड यू कैस्टोडा। ठीक है, तो कैस्टोडेरिया एंड यू कैस्टोडा में हम फर्दर इसको देखते हैं कि ये दो क्लासेस में कैस्टोडेरिया है और यू कैस्टोडा। कैस्टोडेरिया क्लास जो है बॉडी नॉट सब डिवाइडेड इनटू प्रोग्लोटिड्स, लार्वा इन क्रस्टेशियंस, उनका जो होस्ट है वो क्रस्टेशियंस होते हैं ज्यादातर, एडल्ट इन द फिशेस, उसका जो एडल्ट का यानी कि डेफिनेटिव होस्ट है वो उनका फिशेस है। और ये इनके एग्जाम्पल हैं एम्फिलिनिया और ग्रायोकोटाइल। ये इतनी कोई ज़्यादा इसकी स्पीशीज या इतना बुक में भी इसका इतनी डिटेल नहीं दी हुई, क्योंकि जो सेकंड इसकी सब क्लास है यू कैस्टोडा जिसको हम कहते हैं ट्रू टेप वर्म्स, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्कॉलेक्स, नेक्स एंड स्ट्रोबिला। ठीक है, स्ट्रोबिला कंपोज्ड ऑफ मैनी प्रोग्लोटिड्स, इसमें प्रोग्लोटिड्स बहुत ज्यादा होते हैं जबकि कैस्टोडेरिया में वो प्रोग्लोटिड्स एब्सेंट हैं या ज्यादा नहीं होते, होते भी हैं तो एक या दो, तो इसको हम कह सकते हैं कि मोनोजोइक भी है जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोग्लोटिड है, बहुत कम है। और जब बहुत ज्यादा होते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि पॉलीजोइक है ये। बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ईच प्रोग्लोटिड, हर प्रोग्लोटिड में जो है इनके बॉडी यूनिट के अंदर दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद है, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है कि बहुत ज्यादा हाईली रिप्रोडक्टिव इनका पोटेंशियल है। एडल्ट्स जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स में मौजूद हैं। और ये इसकी स्पीशीज है प्रोटोसिफेलस, टानिया, एकाइनोकोकस एक्सेट्रा। और बाकी इनका डिफरेंस यही है कैस्टोडेरिया यू कैस्टोडा का। सिमिलरिटीज इनके अंदर ये हैं कि दोनों में ही गट मौजूद नहीं है और लार्वल स्टेजेस भी सिमिलर हैं, और कुछ इनके अंदर पैरेन्काइमा मसल सेल्स होते हैं जो कि दोनों में मौजूद हैं, तो ये सिमिलरिटीज हैं। लेकिन कैस्टोडेरिया यू कैस्टोडा से डिफर क्यों कर रही है, क्योंकि उसके अंदर प्रोग्लोटिड ज्यादा नहीं है जैसा कि ट्रू टेपवर्म्स में है, और उनके पास सिर्फ एक ही यूनिट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मेल एंड फीमेल, लेकिन यहाँ पर हर प्रोग्लोटिड में मौजूद है, प्रोग्लोटिड्स ही ज्यादा है तो रिप्रोडक्टिव के जो यूनिट है वो भी ज्यादा है। अब हम देखते हैं सब क्लास जो यू कैस्टोडा है उसका बॉडी रीजन कैसा है। तो पहला जो इनका यूनिट होता है बॉडी का क्या कहलाता है, स्कॉलेक्स, जिसमें इनका ये हेड आ जाता है, जिसके अंदर इनके पास ये सकर्स लेटरल और ये वेंट्रल डॉर्सल सकर्स हैं। और एक आप देख सकते हैं कि ऊपर भी स्ट्रक्चर शो की हुई है, इसको हम कहते हैं रोस्टेलम, और उसके बाहर कुछ हुक्स भी होते हैं, तो ये भी सेल होस्ट को पेनिट्रेट करने में यूजफुल है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये सारी क्या है कि ये है स्ट्रोबिला कहलाती है। नेक के बाद नेक जो है वो बहुत ज्यादा इसमें माइनोर सा एक स्ट्रक्चर आ जाता है, थिन यूनिट है इसकी बॉडी का, नैरो
होता है। उसके बाद ये जितने भी इसके ये लेंथ है उसमें सारे के सारे यूनिट होते हैं जो क्या कहलाते हैं, प्रोग्लॉटिड्स, और ये प्रोग्लॉटिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, स्ट्रोबिला बनाते हैं। तो इन यूनिट्स को हम कहते हैं कि ये हैं प्रोग्लॉटिड्स। और इसमें ये है कि ये जो इसकी एंटीरियर रीजन में होंगे बॉडी के, वो इमेच्योर होते हैं, मतलब उसमें सेक्स ऑर्गन्स उनके मेच्योर नहीं हुए, एग फॉर्मेशन नहीं हुई। उसके बाद मिड से वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो पोस्टीरियर एंड पर होते हैं वो हाईली मेच्योर होते हैं, एग्स उनके अंदर एक्यूमुलेटेड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स कहलाते हैं। और इसकी बॉडी वाल को अगर हम देखें तो बॉडी वाल में इसके क्या है कि ये भी इसमें दो जोन्स हैं, आउटर जोन है, इनर जोन है, और साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस वगैरह बने हैं। ये भी जो है वो सूटेबल होती है अकॉर्डिंग टू देयर होस्ट। नेक्स्ट अगर हम रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट का देखें तो हर प्रोग्लोटिड में ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इनके मौजूद हैं। तो ये फीमेल शो किया हुआ है, एक ही अगर हम इस प्रोग्लोटिड को देखें तो एक में ही ये फीमेल वाला भी होगा और मेल सेक्स ऑर्गन्स भी होंगे। फीमेल में आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ से स्टार्ट करना है, ये जेनिटल पोर है, इसके बाद ये वजाइना आ जाती है, वजाइना जो है ओपन इन टू दी सेमिनल रिसेप्टिकल, स्पर्म जो है वो वजाइना से एंटर होके सेमिनल रिसेप्टिकल में स्टोर होते रहते हैं। उसके बाद ये जो लाइट कलर्स के आपको दोनों साइड पर नजर आ रहे हैं, ये क्या है, अपेयर ऑफ ओवरी, ओवरी में एग फॉर्मेशन होती है, और उसके बाद ये ओविडक्ट जो है थोड़ा सा एक्सपेंडेड पोर्शन, ये जो थोड़ा सा डार्क एरिया नजर आ रहा है ये कहलाता है ओ टाइप। ओ टाइप भी क्या है कि ये ओविडक्ट का ही एक्सपेंडेड पोर्शन है। ओविडक्ट में क्या है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। उसके बाद फर्टिलाइज्ड जो एग है वो ये इसके नीचे वाले पोर्शन में, यहाँ पर एक यॉक ग्लैंड होता है वहां पर जाता है, जहां पर उसमें यॉक बहुत ज्यादा ऐड हो जाती है, और उसके बाद वो दोबारा से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ पर एक महलिस ग्लैंड होता है, महलिस ग्लैंड का फंक्शन ये है कि ये फर्टिलाइज्ड और यॉक फुल एग्स के अंदर उसके बाहर जो है वो कैप्सूल्स बना देता है, ठीक है। तो फिर वो कैप्सूल्स जो बन जाते हैं एंड देन वो सारे फर्टिलाइज्ड एग ये यूट्रस जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर आकर स्टोर होते रहते हैं, और जो फेवरेबल सूटेबल टाइम आता है तो वो वहां से रिलीज हो जाएंगे और हैच करके नए टेप फॉर्म्स जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। और ये अगर मेल सेक्स ऑर्गन्स देखें तो ये इसमें जो है वो टेस्टिस हैं, और बाहर की तरफ ये ओपन होते हैं, जेनिटल पोर है, ठीक है। और इसमें एक्चुअली में ये पिक्चर जो है वो दोनों ही फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की है, ये यूट्रस को उन्होंने यहाँ से उसका जो है वो डॉर्सल एरिया शुरू किया हुआ। ये नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है वो इसके साइड पर ही होते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस होंगे, ठीक है। तो टेस्टिस में क्या है कि सेमिनल सर्कस एक इनका जेनिटल पोर के बाद एक ओपनिंग होती है जहाँ से वो स्पर्म को यहाँ ट्रांसफर कर देगा फीमेल सेक्स ऑर्गन्स में, और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो ये क्योंकि थ्रू आउट दी लेंथ इनकी बॉडी जितने भी प्रोग्लोटिड्स होते हैं उन सब में ही ये सेक्स ऑर्गन्स होंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है, डेवलपमेंट कैसी होती है कि एग स्टोर्ड होते रहते हैं यूट्रस में, और जिस प्रोग्लोटिड में अंदर पोस्टीरियर एंड पे ही ज्यादातर वो एग जो है वो स्टोर्ड होते रहते हैं यूट्रस में, तो हम उसको कहते हैं कि ये बैग्स ऑफ एग्स हैं, और उन्हीं प्रोग्लोटिड्स को हम कहते हैं पोस्टीरियर एंड पर जो होते हैं उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स हैं। तो होता क्या है, यहाँ से जब वो एग्स या तो ये जो टेप वर्म है जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोग्लोटिड्स ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स बन गए हैं, वो एरिया ब्रेक ऑफ हो जाता है, रिलीज हो जाता है, या तो वो उसी होस्ट के अंदर जो है वो लार्वा सिक्रीट कर देता है, या वो फीसिस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो गया है और किसी दूसरे होस्ट के अंदर इंजेस्ट जब होता है तो फिर अपना नया साइकिल जो है वो स्टार्ट करता है। तो ये कुछ पैरासाइट्स हैं टेपवर्म्स के, बीफ टेपवर्म या पॉक टेपवर्म, इन दोनों का ही लाइफ साइकिल सेम है। इसके अंदर होता क्या है कि सिक्स हुक्ड लार्वा बनता है, जितने भी ये टेपवर्म्स होते हैं इनका लार्वा सिक्स हुक्ड लार्वा बनता है जिसको हम कहते हैं ऑनकोस्फियर लार्वा। तो यहाँ से अगर हम देखें किसी एक टेपवर्म को कि ये ह्यूमन की इंटेस्टाइन के अंदर ये मौजूद है एक टेपवर्म,
और ये आप देख सकते हैं कि जो इसका ग्रेविड प्रोग्लोटिड है, जिस तरह की पिछली स्लाइड में बात की, जहाँ पर फर्टिलाइज्ड एग्स जो है वो स्टोर्ड होते हैं, होता क्या है कि वहां से वो फिर रिलीज आउट हो जाता है ये ग्रेविड, और उसके अंदर से ये जो है वो 6 हुक्ड लार्वा फीसिस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब वो किसी भी एरिया में जब एक्सक्रीट आउट हो गया है, ग्रेजिंग एरिया में है, और किसी दूसरे कैटल ने उसको इनटेक कर लिया है, तो फिर वो क्या करता है, वो दूसरे कैटल्स की मसल्स के अंदर जाकर जो है वो सिस्ट बनाता है। वहां पर वो फिर क्या कहलाता है, सिस्टिस सर्कस या ब्लैडर वर्म भी हम उसको कहते हैं। ये स्केलेटल मसल्स ऑफ काओ या शीप्स में होता है, ठीक है। अब उसको क्या होता है कि अगर कोई पुअर कुक्ड उसका मीट ह्यूमंस ने दोबारा से इनटेक किया है, तो ये साइकिल फिर से उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें एग्स हैं, एग्स के बाद ऑन्कोस्फियर 6 हुक्ड लार्वा बनता है, उसके बाद ये अपने जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट में आ जाते हैं, कैटल हो सकता है। अगर पॉक टेपवर्म की बात करें तो वो उनका जो ये होस्ट होगा सेकंड, वो हो सकता है वो होगा पिग्स हो सकते हैं। और उसके बाद उसके टिश्यूज के अंदर जाकर फिर ये इंसिस्ट करते हैं और क्या कहलाते हैं, सिस्टिसिर्कस लार्वा या ब्लैडर वर्म। उसके बाद ये दोबारा से ह्यूमंस में चले जाते हैं, अगर वो उसका पुअर कुक्ड अनकुक्ड जो है वो मीट उसको इनटेक करते हैं। लास्ट पे है हमारे पास एक थर्ड टेपवर्म जो कि पैरासिटिक है, ब्रॉड फिश टेपवर्म। ये यूएस में है, नॉर्थ अमेरिका में, और इसके अंदर होता क्या है कि इसके स्कॉलेक्स के अंदर दोनों साइड्स पे, ये सिर्फ एक साइड लेटरल शो की है, अगर हम इसकी वेंट्रल साइड भी देखें जो इसकी बैक साइड पे होगा, तो वहां पे भी इस तरह से किस तरह से लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव्स बना होगा, जिसको हम बुथेरिया कहते हैं या बुथेरियम, ठीक है। तो ये भी एज अ होल्ड फास्ट ही स्ट्रक्चर है, सकर्स के तौर पे यूज करते हैं। अब ये टेपवर्म जो है ये क्या करता है, इसके अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स जो हैं वो ये फ्रेश वाटर में डिपॉजिट कर देता है। अब फ्रेश वाटर में होता क्या है कि इसके जो होस्ट हैं वो इसके जो है वो 3 लार्वल स्टेजेस हैं। हमने पिछले में बात की ऑन्कोस्फियर या सिस्टिसिर्कस टेपवर्म में ही, लेकिन ये जो ब्रॉड फिश टेपवर्म है इसके तीनों लार्वा डिफरेंट हैं। पहला लार्वा जो बनता है वो कोरासीडिया कहलाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोसर्कोइड्स लार्वा बनता है, वो नॉन सिलिएटेड होता है, और फिर जो है वो प्लेरोसर्कोइड्स लार्वा बनता है। तो ये एम्ब्रियोनेटेड एग्स इन द वाटर, इनके अंदर सीलिया जो है वो बन जाते हैं, और ये पहला लार्वा जो है वो क्या कहलाता है, कोरासीडिया लार्वा, ठीक है। इसको किसी भी ज्यादातर कॉपीपोड्स या क्रस्टेशियंस उसको इनटेक कर लेते हैं, जब वो उसके अंदर चला जाता है तो वहां से उसके सीलिया रिमूव हो जाते हैं, और वो जो है वो बन जाता है इसके अंदर अपनी सेकंड फॉर्म में आ जाता है, और क्या कहलाता है, प्रोसर्कोइड लार्वा। अब इन कॉपीपोड्स को कोई भी फिश जो है इनटेक कर लेती है, फिश अगर उस कॉपीपोड्स को एज अ फूड लेगी तो वो फिश के अंदर कॉपीपोड के साथ ही जाएंगे, और फिश के अंदर वो उसके फिश के मसल्स में इनएक्टिव स्टेज में मौजूद होते हैं और क्या कहलाते हैं, प्लेरोसर्कोइड लार्वा। अब अगर उस फिश को कोई ह्यूमंस जो है वो पुअरली कुक्ड फिश इनटेक कर लेता है, तो फिर ये ह्यूमंस के अंदर जाएंगे और दोबारा से ये साइकिल, इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिजीज साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू। अच्छा, इसमें हमने अब क्लास में देख लिया है कैस्टोडिया में, कि हमने डिस्कस की है इसकी कैस्टोडिया, उसमें कैस्टोडेरिया एंड यू कैस्टोडा को डिस्कस किया है। तो ये आज हमारा खत्म हो चुका है फाइलम प्लैटिहेलमिंथिस। फाइलम प्लैटिहेलमिंथिस में हमने क्लास टर्बुलेरिया देखी, और उसके बाद हमने मोनोजीनिया एंड ट्रीमाटोडा, और आज हमने डिस्कस की है वो है क्लास इसकी कैस्ट्रोइडिया, ठीक है। और उसमें हमने डिस्कस किए हैं बीफ टेपवर्म, पॉक टेपवर्म एंड ब्रॉडफिश टेपवर्म। थैंक यू सो मच।